हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार वीएस एकेडमी पे। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि आपके एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जनरली ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं और ऐसे क्वेश्चनों को करने में हम लोग कितना टाइम लेते हैं, मोर देन 2 मिनट्स 3 मिनट्स। बट अभी देखिएगा, आज हम लोग कुछ ऐसे ट्रिक्स की बात करेंगे जिससे आप ये क्वेश्चन चुटकियों में कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? चुटकियों में। जी हाँ, कैसे कर लेंगे? चुटकियों में। देखिए, जैसे आपके सामने एक बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों? देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्टली हम ये देखेंगे, आपको ये पता है ऊपर वाला क्या होता है? न्यूमरेटर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंश। नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, जैसे हम लोग कहते हैं हिंदी में हर। देखिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि अंश और हर का डिफरेंस क्या सेम है। अगर सेम है तो हमारे लिए क्वेश्चन तो बहुत इजी हो जाता है। हम क्या चेक करेंगे? हम ये चेक करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जो डिफरेंस आया है वो क्या सेम है। अगर सेम है तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। जैसे देखिए, जैसे हम बात करते हैं, देखिए 3 और 5, अंश और हर के, अंश और हर का डिफरेंस कितना है बच्चों? पहले वाले में 2, ठीक है। 5 और 7 कितना डिफरेंस है बच्चों? 2, ठीक। 9 और 11 कितना डिफरेंस है बच्चों? 9 और 11 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 7 और 9 कितने का डिफरेंस है बच्चों? 2 का डिफरेंस है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिख जाता है कि जिसमें अंश और हर, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस क्या हो, सेम हो, तो ऐसी कंडीशन में आपसे क्या पूछेगा? आपसे सिर्फ 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले पूछेगा कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन बताइए, सबसे बड़ी फ्रैक्शन बताइए। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को हम चुटकियों में कर लेंगे। अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंस जो है, अगर हम डिफरेंस करते हैं और हर कंडीशन में हमें डिफरेंस सेम मिलता है, तो याद रखना है जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा वही ही सबसे बड़ी वैल्यू होगी, वही सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। जो सबसे बड़ा, और बड़ा कहाँ? नीचे वाला नहीं देखेंगे, बड़ा हम लोग ऊपर वाला देखेंगे। किसका? न्यूमरेटर का देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे बड़ी, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी फ्रैक्शन, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है बच्चों, तो आप क्या बताओगे? 9/11। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, तो जो सबसे अचल में छोटा होता है वही सबसे छोटा फ्रैक्शन होता है। तो सबसे छोटी भिन्न आपकी क्या होगी बच्चों? 3/5, ठीक है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। तीसरा क्या पूछेगा? तीसरा आपसे कहेगा कि आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। कैसे? असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है ना बच्चों, सबसे पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हमें पता है 3/5 है। उसके बाद इससे बड़ा 5/7, उसके बाद इससे बड़ा 7/9, उसके बाद इससे बड़ा 9/11 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन है बच्चों, एक ही क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे पूछेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। कैसे? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे? जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, उसके बाद 7/9, उसके बाद 5/7, उसके बाद 3/5, ठीक है बच्चों। अगर कब यह ट्रिक का फॉलो होगी? जब आपने देखा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जो डिफरेंस था सब में सेम था, तब। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसको इरेज कर। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। फिर दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले हम यही चेक करेंगे, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि हम ये चेक करें कि अंश और हर का डिफरेंस क्या सेम है। अगर सेम है तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। अब देखिए, हमने देखा 15/16, 19/20, 34/35, 24/25, तो हर कंडीशन में हमें जो डिफरेंस मिल रहा था वो देखिए सेम मिल रहा था, वन ही मिल रहा था। देखिए 15, 16, 19, 20, 34, 35, 24, 25, तो बताइए सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या होगी? हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सबसे बड़ी फ्रैक्शन, सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या होगी? जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, तो क्या हमारी 34/35। और बड़ी कहां की देखनी है आपको? हमेशा ऊपर वाली वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। अगर मैं पूछूं सबसे छोटी फ्रैक्शन क्या होगी, सबसे छोटी, तो आप क्या बताओगे? सबसे छोटा है 15/16। क्या है बच्चों? 15/16। अगर मैंने कहा बच्चों इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, कैसे लिखे बच्चों इसको? असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए सबसे छोटा है हमारा 15/16, उसके बाद है 19/20, उसके बाद है 24/25, और उसके बाद हमारा 34/35, ठीक है बच्चों, सिंपल है ना। इसके बाद बात करते हैं अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की, तब इसको कैसे करेंगे? तब हम देखेंगे सबसे बड़ा 34/35,
24 बटे 25, 19 बटे 20 और 15 बटे 16, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब? जब हर कंडीशन में सब इनका डिफरेंस सेम हो। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमने डिफरेंस निकालना चाहा। तो देखिए 2 और 7 में डिफरेंस कितने का आ रहा है बच्चों? 5 का। 3 और 8 में डिफरेंस 5 का, चलिए ठीक है। 5 और 11 में 6 का डिफरेंस आ गया और 9 और 16 में 7 का डिफरेंस आ गया। अब देखिए ऐसी कंडीशन में जब आपके डिफरेंस क्या हो, अलग अलग हो, तो क्या करिए आप, ये जो आपके डिनोमिनेटर है आप इनको हटा के इनके डिफरेंस को लिख दीजिए। आप डिनोमिनेटर वाले प्लेस पे जो भी वैल्यू लिखी आप इनको हटा के इनके डिफरेंस को लिख दीजिए। तो हमने वही किया, 2/5, 2/5, 3/5, 5/6 और 9/7। हमने क्या किया, सबके डिनोमिनेटर को हटा के, मतलब सबके हर को हटा के हमने इनके डिफरेंस लिख लिए, ठीक है बच्चों। और ऊपर वाला सेम था। अब हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। इनके डिनोमिनेटर का जब हमने एलसीएम लिया 5, 6, 5, 5, 6, 7, तो इसका एलसीएम आएगा हमारा, हाँ एलसीएम आ गया हमारा बच्चों, ठीक है। चल मैं इधर लिख दे रहा हूँ, एलसीएम हमारा इसका कैलकुलेट हुआ LCM, X 210, क्या आ गया बच्चों? 210। तो बस इसके LCM से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका बड़ा वैल्यू है वो आपकी बड़ी फ्रैक्शन होगी, जो आपका छोटी वैल्यू है आपकी छोटी फ्रैक्शन होगी। तो देखिए 2/5 × 120 क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कॉमा 3/5 × 120, 210 LCM रखना है ना, 210 कॉमा 5/6, 210 कॉमा 9/7, 210। तो देखिए 5 × 20, 5 × 10 ये भी 42, 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 20, 7 × 3 = 21। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 84, ठीक है बच्चों। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा 4 × 3 = 12, 2 = 132। 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 × 70, 7 × 2 = 14, 140 और 35 = 175। इसके बाद 9 × 3 = 27, 270। देखिए ठीक है, ये वाला पहले फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये वाले फ्रैक्शन को नहीं, इस वाले फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो आपका क्वेश्चन था। ये तो हमने बनाया था ना, ये तो हमने बनाया था, एक्चुअल में इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये 132 इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 175 इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा और 270 इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। अब आपको ये देखना है आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे 4 तरीके से पूछ सकता है, कैसे? सबसे पूछेगा सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। अब आप ऐसे तो देख के नहीं बता सकते कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, हमें कहीं ना कहीं सॉल्व करना पड़ा और हमें ये जो सॉल्व करने में इतना टाइम लगा, इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। तो हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले इनके डिफरेंस को लिख के, इनके डिफरेंस का ये जो नीचे वाले वैल्यू थे, जो डिफरेंस था उसका एलसीएम लिया, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमारे पास जो वैल्यू आ गई और ये वैल्यू ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे फ्रैक्शन को। अब देखिए अगर मैं पूछूं सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा आपने क्या बताया बच्चों, 270। 270 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9/16, ठीक है। अगर मैं पूछूं सबसे छोटा फ्रैक्शन, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन है 84। सबसे छोटा फ्रैक्शन 84, 84 की वैल्यू क्या है, 2/7, ठीक है बच्चों। अब आपसे पूछ रहे असेंडिंग ऑर्डर में आप कर लोगे बच्चों, सबसे पहले सबसे छोटा ये, तो ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, तो ये आपकी जो वैल्यू लिखी हुई है ये असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखी हुई है, ठीक है बच्चों। अगर मैं बात करूं डिसेंडिंग ऑर्डर की तो इसे आप पलट दो, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ये 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ओके। आई होप क्लियर हो गया होगा, जो भी छोटे मोटे डाउट रहे होंगे क्लियर हो गए होंगे आपको।
सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके डिफरेंस को लिखना है, डिफरेंस को लिखना है। तो इनका डिफरेंस चेक किया हमने, कितना है, पहले में तो दो है, दूसरे वाले में भी दो है, तीसरे वाले में 16, 9, 7 है, चौथे वाले में 21, 4, 17। 21/4 ही था क्या? इक्कीस बटे 25 था, क्योंकि इतना डिफरेंस थोड़ी आएगा, 21/25 था। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, 21/25, 16/19। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया बेटो, बच्चों 7/9, 11/13, 16/19, 21/25, हाँ ये आपका करेक्ट है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले डिफरेंस निकालना होगा। हमने डिफरेंस निकाला, 2 आया, इसका भी 2 आया, इसका 3 आया, और इसका 21/25 4 का डिफरेंस आया। तो हमें क्या करना है, नीचे वाले हर वाली वैल्यू को हटा के इनके डिफरेंस को लिख देना है। तो 7/2, 11/2, 16/3, 21/4 तुरंत आपके जो डिफरेंस है इनके एलसीएम ले लीजिए, 2, 3, 4, 12 एलसीएम आएगा तुरंत। एलसीएम आपको एलसीएम से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, क्या कर देना है एलसीएम से, मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 6 6 6 3 4 4 3 6 7 6 42 11 6 66 16 4 66 16 4 21 3 63। अब देखिए अगर मैं पूछूं सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, तो सबसे बड़े देखिए वैल्यू कौन सा है, 64, और थर्ड वाले प्लेस पे क्या वैल्यू रखी हुई है, ये। तो आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या आ गया बच्चों, सबसे बड़ा भिन्न क्या आ गया बच्चों, 16/19, क्योंकि तीसरे पे ये था और हमारा तीसरे पे ये था। आपको यहां से आंसर नहीं देना है, क्योंकि ये हमने बनाया है, जो रियल वाला क्वेश्चन है वहां से आंसर देना है। सबसे बड़ा सबसे छोटा पूछ ले, सबसे छोटा भिन्न, तो सबसे छोटा भिन्न जो हमारा होगा देखिए 42 है, 42 हमारी पहली वैल्यू है, 7/9 7/9। ठीक है, अब आपसे इसी में पूछ लेगा असेंडिंग ऑर्डर में सारी वैल्यू लिखनी है इनको। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या, सबसे पहले 42, तो 42 की वैल्यू है 7/9, उसके बाद 64 की वैल्यू है 16/9, गड़बड़ हो गया, सबसे बड़ा 64 नहीं, सबसे बड़ा 66 है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये वाला नहीं, सबसे बड़ा फ्रैक्शन 11/13 होगा। ठीक है बच्चों, सेकंड नंबर पे हमारा 63, तो 63 की वैल्यू क्या है, 21/25, उसके बाद 64 की वैल्यू है 16/19, इसके बाद हमारा 66 की वैल्यू है 11/13, इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरह मजेदार ट्रिक को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, धन्यवाद।